हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं स्नेहा। वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड द चाइल्ड। क्लास वन एंट्रेंस टेस्ट में जो सवाल आते हैं वो सवाल क्लास प्रेप, जिसे आप केजी भी कहते हैं, उसमें जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसमें बेस्ड होता है। तीन सेक्शंस एग्जाम में होते हैं, इंग्लिश, हिंदी एंड मैथ्स। क्लास वन एंट्रेंस की तैयारी के लिए मैंने 5 अलग अलग वीडियो बनाए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, टेस्ट सैंपल पेपर और एक कंबाइंड वीडियो है। ये वीडियो सारे स्कूल बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई, स्टेट बोर्ड, आईबी या फिर आईजीसीएसई बोर्ड हो। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ क्लास वन एंट्रेंस टेस्ट के लिए इंग्लिश का सिलेबस, वर्कशीट और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस विद आंसर्स। फिर आपको इस वीडियो में दी गई वर्कशीट अच्छी लगती है और आप उसका पीडीएफ फॉर्म चाहते हैं, तो आपको करना होगा इस वीडियो को लाइक और कमेंट में जाकर अपना नाम लिखना होगा। आपको कमेंट में अपना ईमेल आईडी शेयर नहीं करना है, मैं आपको रिप्लाई में अपना एक ईमेल आईडी शेयर करूंगी जिसमें आपको लिखना है पीडीएफ क्लास वन एंट्रेंस टेस्ट सब्जेक्ट हिंदी। अगर हिंदी के लिए चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सैंपल टेस्ट पेपर, जो भी आपको चाहिए वो सब्जेक्ट का नाम लिखना है। ध्यान रहे, आपको जिस भी वर्कशीट का पीडीएफ चाहिए आपको मेरे उस वीडियो के नीचे ही जाके कमेंट करना है। वन एंट्रेंस टेस्ट में मेरे सारे वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्क्रीन पे देख सकते हैं आप इंग्लिश का सिलेबस, वोवल एंड कॉन्सोनेंट्स, 2, 3 या 4 लेटर के वर्ड्स, राइमिंग वर्ड्स, सिंगुलर एंड प्लूरल, जिसमें सिर्फ एस एड करके प्लूरल बनाना है, अपोजिट्स, काफी सिंपल वाले वर्ड्स ही लेने हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बच्चों को क्लियर करना है। प्रोनाउन में ही, शी, इट, दे का, कंजंक्शन में सिर्फ एंड का, आर्टिकल में ए एंड द, प्रीपोजिशन में यूजेस ऑफ ऑन, अबव, इन, अंडर, एम इज, आर, आई एंड वी, दिस एंड दैट, दिस एंड दीस, दीस एंड दोस, दैट एंड दोस। बच्चों को आप सिंपल सेंटेंसेस लिखना जरूर सिखाएं। नेम्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कलर्स, वाइल्ड एंड पेट एनिमल्स, नेम ऑफ द वीक्स, नेम ऑफ द मंथ। स्क्रीन पे दिखाए गए वर्ड्स का मतलब आप बच्चों को जरूर सिखाएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को आंसर्स तो पता होता है लेकिन क्वेश्चंस में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका उनको मीनिंग नहीं मालूम होता, जिसकी वजह से वो गलत आंसर कर जाते हैं। जैसे चूज, अंडरलाइन, राइट, सर्कल, मार्क, कंप्लीट, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट सेंटेंस, करेक्ट वर्ड, करेक्ट ऑप्शन, टिक मार्क द करेक्ट सेंटेंस, आफ्टर, बिफोर, मैच और ये स्लैश का साइन। अब बढ़ते हैं किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। अंडरलाइन द वॉवल्स इन द गिवन वर्ड्स, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और उसमें कौन सा वॉवल है उसे अंडरलाइन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर ए का आंसर है यू, बी में एलिफेंट लिखा है जिसमें 3 वॉवल्स हैं, तो ये ध्यान देकर बच्चों को अंडरलाइन करना है। नंबर 2, लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम, कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और पिक्चर को देख के बच्चों को इनका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3, अनजंबल द फॉलोइंग वर्ड्स एंड रीराइट टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड, वर्ड दिया हुआ है उसे जंबल किया हुआ है, उसका करेक्ट वर्ड क्या होगा वो आंसर करना है। साथ में पिक्चर भी दी हुई है ताकि बच्चों को एक आइडिया मिल जाए। ए का आंसर जैसे हट है, बी का बैग। क्वेश्चन नंबर 4, राइट 5 3 लेटर वर्ड्स फ्रॉम द गिवन बॉक्स एंड राइट इन द गिवन स्पेस, एक ग्रिड दिया हुआ है जिसमें डिफरेंट लेटर्स लिखे हुए हैं, इसमें 3-3 लेटर के 5 वर्ड्स बनेंगे, वो वर्ड्स कौन है बच्चों को ढूंढना है और लिखना है। जैसे इस ग्रिड के अनुसार आंसर होगा कैट, टैप, कार, ट्रैक एंड गन। क्वेश्चन नंबर 5, मैच अ पिक्चर विद करेक्ट वर्ड, कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं उसके साथ नाम दिए हुए हैं, कौन सा वर्ड किस पिक्चर के साथ सही जाएगा उसे मैच करना है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन, ही और शी, सीता इज प्लेइंग, डैश इज हैप्पी, इसमें ही आएगा या शी, आंसर है शी, राम इज अ गुड बॉय, डैश इज माई फ्रेंड, इसमें ही आएगा या शी, आंसर है ही। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट वर्ड, एम, इज और आर, इन तीनों में से कौन सा वर्ड यूज होगा, डैश आर अ बॉय, आंसर यू आर अ बॉय, आई डैश अ पायलट, आंसर में होगा आई एम अ पायलट, She does a girl. She is a girl. Question number 8. Look at the picture and write the correct preposition. Preposition in, on, above, under में से choose करना है कौन सही answer होगा। जैसे cat is dash the table, answer होगा under. Girl is sleeping dash the bed, answer है on. Fan is dash the head, answer है over. Question number 9. Write the plurals of the word adding s. Pen का plural form क्या होगा? Pens. Dog का plural form क्या होगा? Dogs. Question number 10. Write the rhyming words. जैसे cat, bat, उसके आगे कौन सा rhyming word हो सकता है? Answer rat. Tin, pin. क्या हो सकता है आगे? बिन। क्वेश्चन नंबर 11, राइट द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स गिवन, हॉट का अपोजिट क्या होगा? कोल्ड। गुड का अपोजिट क्या होगा? बैड। नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर जॉइनर्स, जिसे कंजंक्शन भी कहते हैं, राम, डैश एंड श्याम आर गोइंग टू द जू, इसमें कौन सा ज्वाइन करेगा इन दोनों वर्ड्स को? आंसर है एंड। उसी तरह से आई लाइक एप्पल डैश बनाना, तो बीच में कौन सा ज्वाइनर होगा? एंड। क्वेश्चन नंबर 13, चूज एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, आई डैश अ गर्ल, एम होगा या आर, आंसर है एम, आई एम अ गर्ल, You dash a boy, is होगा या आर, आंसर है आर, You are a boy, She dash old, is होगा या am होगा, आंसर होगा She is old। क्वेश्चन नंबर 14, टिक द करेक्ट सेंटेंस लुकिंग एट द पिक्चर, पिक्चर देखना है ये पहचानना है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो किस तरह से सेंटेंस में लिखा जाएगा। जैसे दिस इज अ पेन, दीज आर पेन्स, दैट इज अ बर्ड, दोज आर बर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 15, राइट 4 लाइन्स ऑन माई सेल्फ और माई पेट, कुछ सिंपल टॉपिक्स लें और बच्चों को उस पर 3 से 4 लाइन लिखने की प्रैक्टिस करवाएं।
क्वेश्चन नंबर 16, मैच द पिक्चर विद इट्स करेक्ट नेम. कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, साथ में उनके नाम लिखे हुए हैं और बच्चों को सही मैच करना है. फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपके काम की होगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा. साथ में अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा. क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट कम्स आफ्टर जनवरी, मार्च और फरवरी. आंसर है फरवरी. क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट कम्स बिफोर वेडनेसडे, थर्सडे और ट्यूजडे. आंसर है ट्यूजडे. नंबर 19, व्हाट कम्स इन बिटवीन द गिवन मंथ्स, जनवरी डैश मार्च. आंसर में फरवरी होगा या अप्रैल. आंसर होगा फरवरी. क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट कम्स इन बिटवीन द गिवन वीक्स, मंडे डैश वेंसडे. मंडे और वेंसडे के बीच में कौन सा वीक डे आएगा, ट्यूजडे या फ्राइडे. आंसर है ट्यूजडे. फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए. और पीडीएफ में वर्कशीट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.